हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क एनालिसिस के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस यानी कि क्या होता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिस्क एनालिसिस यानी कि होता क्या है। तो रिस्क एनालिसिस ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी पर्टिकुलर टास्क है उसको करने के लिए जो भी उसमें रिस्क इन्वॉल्व है तो वो हम आइडेंटिफाई करते हैं और अप्रूव करते हैं कि उसमें क्या रिस्क हो सकती है। तो उस रिस्क का क्या लेवल ऑफ रिस्क है वो हम इसमें एस्टिमेट करते हैं। यानी कि उस पर्टिकुलर टास्क में जो लेवल ऑफ रिस्क है वो हाई है, मीडियम है या फिर लो है, वो हम यहाँ पर एस्टिमेट करते हैं। तो जब हम उसको एस्टिमेट करते हैं तो वो जो टास्क है उसमें पर्टिकुलर जो भी हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया है तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस क्या है, यानी कि वो जो रिस्क है वो कितने चांस तक वो हो सकती है, कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है या फिर कितना उसका लाइकलीहुड है, और इसके अलावा इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और फिर इन दोनों का एग्जामाइन करके हमें एक करस्पॉन्डिंग जो है वो रिस्क मिलती है। यानी कि पर्टिकुलर टास्क में जो भी रिस्क इन्वॉल्व है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितना उसका चांस है वो होने का, और उसकी वजह से कौन से कॉन्सिक्वेंसेस या फिर कौन सा इम्पैक्ट हो सकता है। तो इन दोनों का जो रिजल्ट निकलता है वो एक करस्पॉन्डिंग रिस्क होती है, जो हाई भी हो सकती है, मीडियम हो सकती है या फिर लो हो सकती है। तो उसको हम लेवल ऑफ रिस्क कहते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिस्क एनालिसिस यानी कि होता क्या है। चलिए अब जानते हैं कि क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस यानी कि होता क्या है। तो क्वालिटेटिव जो रिस्क एनालिसिस है वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है, जिसका कंसर्न होता है कि जो भी पर्टिकुलर टास्क होता है तो उस टास्क में जो भी रिस्क छुपी हुई है, जो हमने आइडेंटिफाई की है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि उसका कितना चांस है वो रिस्क होने का, और वो टास्क करने से उससे कितना इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है, इसको वो वहां पर डिस्कवर करता है। अब हर एक जो रिस्क है उसमें दो चीजें रहती है, एक यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितना चांस है उसका होने का, और दूसरा यानी कि उसका इम्पैक्ट जो है वो कितना हो सकता है। प्रोबेबिलिटी जो है वो एक लाइकलीहुड है, यानी एक चांस है, यानी कि पर्टिकुलर जो भी टास्क अगर हो जाता है तो उसमें छुपी हुई जो रिस्क है उसकी वजह से वो कितना चांस है उसका होने का, और उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इम्पैक्ट यानी कि उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या परिणाम हो सकता है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो टिपिकली अफेक्ट करता है प्रोजेक्ट के एलिमेंट्स को, जैसे कि प्रोजेक्ट का शेड्यूल जो है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, प्रोजेक्ट के बजट के ऊपर इसका इम्पैक्ट हो सकता है, रिसोर्सेज के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, प्रोजेक्ट के क्वालिटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट हो सकता है, और प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो ऐसी सेवरल टेक्निक्स है कि जिसकी वजह से हम क्वालिटेटिव जो रिस्क एनालिसिस है उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टास्क में जो भी रिस्क है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो पहली टेक्निक है वो है इंटरव्यूइंग की, यानी कि आप जो है बातचीत करके ये डिटरमाइन कर सकते हो कि उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरी टेक्निक है वो है हिस्टोरिक डाटा, यानी कि जो पुराना डाटा है, हिस्टोरिक डाटा है, उसकी मदद से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तीसरी टेक्निक है वो है स्वॉट एनालिसिस। अब स्वॉट एनालिसिस यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, तो इसकी मदद से भी आप ये डिटरमाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद है रिस्क रेटिंग स्केल, तो इसकी मदद से भी आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस यानी कि होता क्या है। फिर उसके बाद जानते हैं कि क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस यानी कि होता क्या है। तो क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस में क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है तो उसमें जो भी पर्टिकुलर टास्क में एक हाईएस्ट रिस्क छुपी हुई है तो उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितना इम्पैक्ट है, वो एक न्यूमेरिकल एनालिसिस से पता किया जाता है, जिससे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि ओवरऑल प्रोजेक्ट के ऊपर उसका कितना रिस्क है, और इसके अलावा हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी रिस्क को सबसे ज्यादा अटेंशन देने की यहाँ पर जरूरत है। क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस इविडेंस बेस है, यानी कि इविडेंस के ऊपर ये जो है ये डिपेंड होती है। इसमें जो रिस्क की न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो बेस्ड होती है क्वांटिफिएबल डाटा के ऊपर, जैसे कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट हो, प्रोजेक्ट का लॉजिस्टिक्स हो, कंप्लीशन टाइम हो, या फिर स्टाफ का सिक डेज हो, यानी कि स्टाफ जो है वो कितने दिन तक बीमार है। तो ये जो क्वांटिफिएबल डाटा है इसकी मदद से हम न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो पता कर सकते हैं।
ये जो क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस है ये आपको परफॉर्म करना होता है क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस के बाद में, क्योंकि जब आप क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस करते हो तो उसके बाद जो है आपको ये पता चल सकता है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन से रिस्क में आपको देनी है, यानी कि जो भी पर्टिकुलर टास्क है जिसमें ज्यादा रिस्क छुपी हुई है तो उसको आप हाईएस्ट प्रायोरिटी वहां पर दे सकते हो। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मानते हैं कि हमारे पास जो प्रीवियस 5 प्रोजेक्ट्स है वो खत्म हो गए हैं, यानी कि पिछले 5 प्रोजेक्ट पर हमने यहाँ पर काम किया है, लेकिन वहां से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक टाइप ए का पर्टिकुलर इक्विपमेंट है जिसको हम अगर 7 घंटे तक इस्तेमाल करते हैं तो वो 7 घंटे के बाद वहां पर टूट जाता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है ये जो हमारे प्रीवियस 5 प्रोजेक्ट है जो हो चुके हैं उसको एनालिसिस करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो इसके बेसिस के ऊपर हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे आने वाला जो भी प्रोजेक्ट है वहां पर अगर इस टाइप ए के इक्विपमेंट का अगर हमें वर्कर की तरफ से अगर इस्तेमाल करना है तो अगर हम इस इक्विपमेंट को 8 घंटे तक अगर इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर 100% चांस है उसका टूटने का, क्योंकि इसी इक्विपमेंट का प्रीवियसली जब हमने 7 घंटे तक इस्तेमाल किया था तो उसके बाद ये टूट गया था। तो अब जाहिर सी बात है कि इसको अगर हम 8 घंटे तक इस्तेमाल करेंगे तो ये टूट सकता है, यानी कि यहाँ पर हमने क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस किया है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा रिस्क एनालिसिस यानी कि क्या होता है, जिसमें हमने जाना कि क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस और क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस यानी कि होता क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।